200 विशाल लखंड गणेश प्रतिमा को स्थानीय रूप से शशि वेकालु अर्थात सरसों के बीज गणेश कहा जाता है। यह हेमकुटा पहाड़ी के दक्षिणी तलहटी पर स्थित है। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान गणेश, जिन्हें गणपति या विनायक के नाम से भी जाना जाता है, अपने भोजन की आदत के लिए प्रख्यात है। एक दिन उन्होंने इतना खाना खा लिया कि उनका पेट लगभग फटने लगा। तब उन्होंने अपने पास से ही एक सांप पकड़ा और अपने पेट को फटने से बचाने के लिए उसे अपने पेट के चारों ओर एक बिल्टे के रूप में बांध लिया। इस मूर्ति पर आप अपने पेट के चारों ओर और खुदे हुए सांप को देख सकते हैं। इसके अलावा यह गोड़, पाशा और उनका टूटा हुआ दांत रखता है। जिस हाथ में मोदक एक प्रकार की मीठी गेंद होती है, वह टूट जाता है और उसका पुनर्निर्माण नहीं होता। एक विशाल शिलालेख में उकेरी गई यह अखंड मूर्ति लगभग 2.4 मीटर मतलब 8 फीट मापी गई है। प्रतिमा के चारों ओर एक खुला मंडप बनाया गया है। पास में मिले शिलालेखों के अनुसार इस मंडप का निर्माण चंद्रगिरी के एक व्यापारी ने 1506 ईस्वी में विजयनगर के राजा नरसिंह द्वितीय की स्मृति में बनवाया था। शशि वेकालु गणेश के उत्तर में गणेश जी की एक और विशाल मूर्ति है, जिसे कदलेकलु गणेश कहा जाता है। शशि वेकालु गणेश के थोड़ा दक्षिण में विष्णुपद मंदिर है। ये सभी एक दूसरे से चलने योग्य है और इन्हें 30-45 मिनट में कवर किया जा सकता है। शशि वेकालु गणेश मंदिर के ठीक सामने आप एक पुरातत्व विभाग द्वारा स्थापित हम्पी का एक विशाल स्थल मानचित्र देख सकते हैं। कोई प्रवेश शुल्क और फोटोग्राफी मुफ्त की अनुमति नहीं है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।